टॉस मेक हेवी ड्यूटी लेथ मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन चेकोस्लोवाकिया हेवी ड्यूटी लेथ. द मॉडल ऑफ दिस मशीन इज SU90A. देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स ऑफ दिस मशीन. Currently, the spindle is rotating at around 250 RPM, and even at such a high speed for a heavy duty type lathe machine, there is no noise at all in the gearbox of this machine. The condition of the bed is excellent. There are no scratches whatsoever on the bed. It is a heavy duty machine, jo pura floor touch machine hai. इसमें लेग टाइप सिस्टम नहीं है, हैवी ड्यूटी मशीन है ये. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स फॉलो रेस्ट एंड टू स्टडीज. इट इज ऑल्सो कंप्लीट विद सेंटर एंड अदर एसेसरीज. द मेक ऑफ दिस मशीन इज टॉस एंड द मॉडल इज SU90A. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स कूलेंट ट्रे, कूलेंट टैंक एंड कूलेंट पंप. The excellent part about this machine is the condition of its bed and the noiseless working of its gearbox and the spindle. इस मशीन में सबसे पहले जो रैपिड ट्रैवल्स है वो दिखा दो. पूरे कैरेज को आगे ले जाओ पहले रैपिड में. मोटराइज रैपिड ट्रैवल्स ऑफ द कैरेज. ठीक है, पीछे ले जाओ. बैकवर्ड मोटराइज्ड ट्रैवल ऑफ द कैरेज. अभी पूरा कैरेज पीछे जा रहा है. सो इस मशीन में ऑपरेटर को हैंडल से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. रैपिड में काम जल्दी हो जाता है. रोक दो, क्रॉस लाइट जलाओ. ठीक है, सेफ्टी के लिए हैंडल बाहर होगा तभी रैपिड चलता है. ठीक है, वापस रुको, एक बार रोको रोको. द कंडीशन ऑफ द स्लाइड्स इज वेरी गुड. There are no scratches whatsoever in it. ठीक है, वापस ले आओ. ठीक है, रोक दो. इस मशीन में अभी फीड ट्रैवल को एंगेज करो. आगे की तरफ फीड ट्रैवल चला दो. We have right now engaged the feed travel. The whole carriage is now going forward in feed. ये अभी ये फीड में आगे जा रहा है. The slow feed travel can be seen. ऊपर हैंडल को अंदर लाते दिखाना कि चल रहा है, घूम रहा है. ठीक है, अभी ये कैरेज जो अभी आगे आ रही है फीड में, इसको पीछे कर दो. ठीक है, तो इस मशीन में फीड की शाफ्ट की रोटेशन को रिवर्स नहीं करना पड़ता. यही कैरेज पे जहां से हम चलाते हैं वैसे हो जाएगा. हम देख सकते हैं कि अभी कैरेज पीछे जा रहा है फीड में. ठीक है, क्रॉस स्लाइड. फीड ट्रैवल ऑन द क्रॉस स्लाइड. ठीक है, बाहर की तरफ. ठीक है, हटा दो उसे. ठीक है, सो दिस मशीन हैज फीड एंड रैपिड ट्रैवल्स ऑन द क्रॉस लाइन एज वेल एज ऑन द कैरेज. डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल. हमने अभी कैरेज का फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया है. आगे की तरफ फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया और हम देख सकते हैं कि फीड की शाफ्ट अभी बहुत स्लो रोटेट कर रही है. ठीक है, धीरे धीरे फीड के रेट को इंक्रीज करो. ठीक है, ये थोड़ा तेज हो गया, और तेज. ठीक है, फीड की शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो गई एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फीड ट्रैवल चल रहा है वो फास्ट हो गया. ठीक है, और तेज.
और तेज, ठीक है। ये फीट का रेट अभी और इंक्रीज कर दिया। कोई और भी है? नीचे से दिखा दो वो नीचे वाली लीवर। हाँ ठीक है, ये फीड का रेट अभी काफ़ी तेज हो गया। हम देख सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में फीड अभी बहुत तेज चल रही है। ठीक, वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू, वी हैव राइट नाउ स्टॉप द फीड ट्रैवल। हमने फीड की शाफ्ट को रोटेशन रोक दिया है और लीड स्क्रू की रोटेशन को ऑन कर दिया है। ठीक है, अभी थ्रेडिंग के लिए पूरे कैरेज को लीड स्क्रू पे लगा दो। ठीक है, अभी पूरा जो कैरेज है वो आगे जा रहा है थ्रेडिंग करता हुआ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो लीड स्क्रू की रोटेशन की डायरेक्शन। ठीक है, लीड स्क्रू की रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। जो पूरा कैरेज आगे जा रहा था वो अभी थ्रेडिंग करता हुआ पीछे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन। डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स राइट नाउ द चक इज रोटेटिंग एट इट्स मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड ऑफ 6 RPM, 6 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, और तेज। वी हैव फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पिंडल। करंट स्पिंडल स्पीड 45 RPM, 45 रोटेशंस पर मिनट। देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द स्पिंडल। जो ये आवाज़ आ रही है ये जॉस के हिलने की आवाज़ है, क्योंकि ये अभी टाइट नहीं है। बट देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द स्पिंडल और इन द गियर बॉक्स। ठीक है, और तेज चला दो। करंट स्पिंडल स्पीड 106 RPM, 106 रोटेशंस पर मिनट। इवन एट सच अ हाई स्पीड फॉर सच अ हैवी ड्यूटी मशीन देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स ऑफ दिस मशीन। ठीक है, और तेज चला दो। फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पिंडल। देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स और इन द स्पिंडल। The different spindle speeds are changed using this gearbox. The minimum is 6 RPM and the maximum is 900 RPM. उसके लिए यहाँ पे दो गियर है, वो गियर भी चेंज होते हैं जिससे मैक्सिमम 900 RPM दिखा सकते हैं। अभी हमने ये अप्रॉक्सीमेटली 200 रोटेशन 200 RPM पे चलाया हुआ है। देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स ऑफ दिस मशीन। इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ द मशीन, वी ऑल्सो हैव द इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स अवेलेबल फॉर इट। इट इज अ हैवी ड्यूटी टाइप टॉस मेक मशीन कंप्लीट विद कूलेंट टैंक, कूलेंट पंप, बिग साइज्ड 4-jaw चक कंप्लीट विद इट्स फॉलो रेस्ट and two steadies. The condition of the bed and the condition of the gearbox in this machine is excellent. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.